मेरा सवाल ये कि हक मेहर की रकम में से कुछ या पूरी रकम बीवी -बी से उधार ले सकते हैं बिल्कुल ले सकते हैं लेकिन बी -बी को मैं मशवरा दूंगा नहीं देना क्योंकि ये वापस नहीं करेगा लोग कहाँ वापस करते हैं पैसे लेके तो बेगम के पैसे कौन वापस करता है अच्छा मेरे भाई लेकिन बेगम को चाहिए शोहर है दे दो यार वापस ना भी करे रिश्ता भी तो कोई चीज़ होती है ना दे दो वैसे महर होता कितना है पच्चीस हजार तीस हजार चालीस हज़ार कौन सा कोई दस्तोले सोना महर होगा तो वैसे ही दे दो क्यों तो ये लो माफ़ किया मैंने क्या खाम खाम एहसान ले ला किसी का भाई अच्छा आजकल इतने पतले पतले से महर आ रहे हैं ना इतने तो दो कि आठ दस गुटके तो खरीद सके वो बहुत ही थोड़ा महर होगा औरत जहेज ले रहे हैं लाखों का जिसकी इस्लाम में कोई हैसियत नहीं है मेहर की तो एक हैसियत है इस्लाम में वो पच्चीस हजार तीस हजार चालीस हजार और कहते हैं इस्लाम में सादगी है तो सारी सादगी मेहर में आके निकल रही है तो मेरी राय ये है कि अगर शोहर कमा लड़का कमाता है ना तो मेहर तगड़ा रखो वरना दो ही नहीं रखनी लड़की जो तुम्हारी बच्ची पे अभी खर्च करने के लिए तैयार नहीं है बाद में वो कम क्या करेगा हाँ वो गरीब है तो फिर एक अलग बात है लेकिन अगर है तो बोलो यार कम से कम तीन तनख्वां तो निकालूंगा तेरी जेब से मैं तीन तनख्वाहें तो निकलेंगी तो वो कहेगा फिर मैं करूंगा क्या बोलो तूने शादी की है तो तीन तनख्वाहें नहीं जी मैंने अपनी गाड़ियां बेची हैं शादी के लिए पता है आपको मैं जब शादी के लिए कहीं जाता था तो पूरी पूरी गाड़ी दाह पे लगाइए मैंने और मेरे पास वही गाड़ी होती थी मैंने कहा मैं पैदल जाऊँगा ये गाड़ी ये दिल आपका हुआ ये गाड़ी आपकी हुई समझते हो गया नहीं समझते तो ससुराल वालों से मैंने कहा ये दिल आपका हुआ ससुराल वाले इसको मानते नहीं है मैं कहते है, चलो ये गाड़ी आपकी हुई यानी आपकी का मतलब ये बेचूंगा और मेहर दूंगा या जो भी खर्चे होंगे पूरे करूंगा तो इस तरह से शादी होती है तो फिर इंसान कदर भी करता है फ्री फोकट की पच्चीस पच्चीस हजार की शादी पच्चीस हज़ार में तो पेट्रोल की टैंकी भरती है आजकल <laughs> सही है ना। तो मेहर थोड़ा सा कुछ मैं नहीं कह रहा कि वो पच्चीस पच्चीस तोले सोने रखो लेकिन इतना भी हल्का नहीं होना चाहिए कि औरत की बिल्कुल ही एक वैल्यू ख़त्म हो जाए सोसाइटी में महर औरत के तहफ़ के लिए भी होता है कि कल मर तलाक़ दे तो उसकी जेब से कुछ निकले एक दफ़ा मेरे पास ऐसे ही केस आया लड़के ने कहा कि लड़की वाले महर ज़्यादा रख रहे हैं लड़का मुझे छाँव में ले गया मुफ्ती साहब ये लड़की का भाई है और उसके अब्बा घर में है वो कह रहे हैं इतना महर रखोगे तो हम निकाह करेंगे कम पे राजी नहीं हो रहे तो मुझे कहने लगा मुस्ती साहब उनके अब्बा को फ़ोन करें कि वो महर कम करें मैंने कहा मैं तो फ़ोन नहीं करूंगा कह रहे हैं क्यों भाई महर तो कम होना चाहिए मैंने कहा भाई वो लड़की के बाप को तहफूस चाहिए ना आप शादी करो कल तलाक दे दो पच्चीस तीस हज़ार महर होगा पक पकड़ा दोगे आप बाज़ा लड़की के बाप को ये ख़तरा होता है कि यार पता नहीं शादी में सीरियस संजीदा है भी कि नहीं है तो कह रहे मेरे पास जब है ही नहीं मैंने कहा नहीं है ना इसका हल ये है कि आप लिखवा दो क्या कर दो आप बोलो नहीं है लेकिन जब होंगे तो दे दूंगा क्योंकि बाज दफ़ा लड़की के बाप को भी तहफुज चाहिए होता है और ये इस्लाम ने मेहर रखा ही तहफुज के लिए वरना औरत कोई खरीदी थोड़ी जाती है पैसों में तभी यह कोई औरत की कीमत नहीं है आजाद औरत है वो कि बिकेगी थोड़ी कि पचास हजार और एक करोड़ या दस लाख में बिकती थोड़ी है वो ये अल्लाह ने मेहर रखा है औरत के तहफुज के लिए क्योंकि तलाक का इख्तियार अल्लाह ने किसको दिया है औरत को नहीं दिया मर्द को दिया है तो इस इख्तियार का नाजायज फायदा उठा सकता था ये तो जब मेहर तगड़ा होगा तो कम अज कम नाजायज फायदा नहीं उठा उसको पता है भाई मैंने तालाब की सूरत में तो बाहर सूरत मेहर देना पड़ता है तो इसलिए मैंने कहा नहीं है तो बोलो लिख दो तो कह रहे ये आपके पास तो मैं आया था इसलिए मैंने कहा हम ऐसी बात क्यों करते हैं जो उल्टी बातें हो तो वो वो अगर अपनी मर्जी से बाज दफ़ा मर्द इतना अच्छा होता है कि लड़की का बाप कहता है भाई मेहर वहर में मुझे दिलचस्पी नहीं है मुझे बंदा चाहिए क्योंकि उनको पहले ही पता होता है कि ये बंदा रिलायबल है तो बाज़ दफ़ा मेहर से पता चल रहा होता है ये कितना सीरियस है तो देखो आप कोई भी चीज़ ख़रीदने के लिए जाते हो तो आप उसकी मुनासिब कीमत लगाते हो तो दुकानदार को पता चलता है कि ये ये चीज़ ख़रीदने में क्या है सीरियस है हम सौराब गोट जाते हैं या हम कपड़ा ख़रीदने जाते हैं या प्रॉपर्टी ख़रीदने जाते हैं अब एक प्रॉपर्टी की कीमत है दस करोड़ रुपए आपने स्टेडेंट एजेंट से पूछा हाँ भाई स्टेडेंट बता भाई आपका क्या इरादा है, है आप कहो कि मैं पचास हज़ार में लूँगा इस्टेट एजेंट आपकी तरफ तोज्जो ही नहीं देता उसको पता है ये बंदा ख़रीदने में सीरियस नहीं मजाक कर रहा है मेरे साथ ठीक है ना तो बज दफ़ा लड़की के बाप को आपके मेहर से पता चलता है कि आप वाकई शादी में सीरियस हो तो इसलिए ये लड़की है कि बापों का ये हक है लड़कियों का हक है हाँ इतना ज्यादा ना हो कि निकाह ही को मुश्किल बना दें आप लेकिन इतना तो हो कि थोड़ा सा तो मुश्किल रहे ना आपकी संजीदगी का तो पता चले तो इतना कम भी ना हो कि आपकी संजीदगी का ही पता नहीं चल रहा इतना ज्यादा भी ना हो कि लड़कों की शादियाँ ही मार्केट से शार्ट होना शुरू हो जाए तो बाज इलाकों में बहुत ज्यादा भी होता है वो इतने हैं कि पता नहीं जैसे बहरिया टाउन खरीद रहे हैं किसी की लड़की से शादी कर रहे हैं पता ही नहीं चलता एक आदमी ने कहा मेरे फ़लाने ने अब्बा ने दूसरी शादी की है पता नहीं सात करोड़ में मैंने कहा यार अल्लाह खैर करे सात करोड़ में तो चांद पे पहुंच जाता है इंसान आपके अब्बा कहाँ पहुंचना चाहते हैं ठीक है ना तो इतने इतने मेहर भी होते हैं अच्छा खैर मेरे भाई तो थोड़ा सा मेहर बढ़ाना चाहिए ये पच्चीस तीस वाला मुझे समझ में नहीं आता इसको बढ़ाना चाहिए औरत की जो इस्लाम ने मेहर की जो एक हिमत रखी है ना उसकी थोड़ी वैल्यू हो तो वैल्यू और जहेज़ को बिल्कुल ख़त्म कर देना चाहिए और अगर जहेज ले रहे हो तो जहेज से दुगना महर होना चाहिए मेहर कितना होना चाहिए पांच लाख का जहेज है तो महर कितना होना चाहिए दस लाख ताकि पता चले मैं आदमी हूं आप खातून आप बेगम है अगर जहेज दस लाख का ले रहे हो महर पच्चीस हजार दे रहे हो तो शोहर तो वो हो गया ना फिर तुम तो, तो फिर बीवी हो गए उसकी हवा दिल बदल दे मेरा